नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्ते सर। अरे नमस्कार, कौन? हाँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर, धर्मेंद्र वाजपेयी सर। बताइए। हाँ सर, ये जो मतलब आप बता रहे हैं सर होना है, तो ये सर चुनाव के पहले पहले सर हो जाए कि नहीं, मतलब इसलिए सर पूछ रहा हूँ। इसको थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि घर से गए जैसे तो कुछ कर नहीं रहे, प्रेशर बन रहा है, मतलब कुछ बिजनेस वगैरह करने का, तो सर उसमें आने के कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट वगैरह तो इधर बिजनेस में किया गया, कहीं घर भी हो गया सर, तो मतलब सर इसका वही था कुछ कंफर्म सर है कि सर चुनाव के पहले जाए, कहीं गवर्नमेंट सर चुनाव के बाद ना इसको और तब तक लंबा तो ना भी खींचे सर करने के लिए। एक चीज बताइए, जी आपके घर निमंत्रण जब कभी आता है, विवाह का, बर्थडे पार्टी का, या जो भी, और उसमें भोजन की व्यवस्था रहती है, तो क्या उससे जब निमंत्रण आता है तो आप घर पे खाना, वो खाना छोड़ देते हैं कि अब चलेंगे वहीं खाएंगे, हलवा पूरी बढ़िया बढ़िया खाना, पनीर वहीं खाएंगे, उतने दिन तक और खाना नहीं नहीं खाएंगे? पर खाते तो डेली जो खाना खा रहे होते हैं वो आप खाना खाते हैं ना, उस दिन का प्रोग्राम, उस रहे। दिन जो रहता है वहाँ जा करके आप देखते हैं, करते हैं, तो फिर ये दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जो काम डेली कर रहे हैं, खाना डेली खा रहे हैं, और जब निमंत्रण आता है तो उसमें आना, तो यही चीज़ अपने ऊपर भी लागू कर लीजिए, यहाँ पर भी। आप लोग की प्रॉब्लम यही है ना, फ्रस्ट्रेटेड जो लोग होते हैं, जो लोग जो है निराश होते हैं, हताश होते हैं, वो ऐसी ही सोच वाले होते हैं जैसे आप सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आप अगर बैठे रहेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, कोई चीज़ आज होना है अब नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, तो आप जो उसी के सारे बैठे रहेंगे। हाँ मतलब वो जब होगा होगा, मतलब अपना कुछ गवर्नमेंट आपके हिसाब से नहीं चलेगी ना, कोई काम आपके हिसाब से तो नहीं होगा ना। हाँ, वो जो चीज़ जब करेंगे उसके हिसाब से आपको अपनी चीजें मैनेज करनी होंगी। तो पहली बात तो ये हो गया, अपनी सोच को पहले चेंज कीजिए। आपकी लाइफ है 50 साल, 60 साल की, और गवर्नमेंट की लाइफ कितनी होती है? 5 साल किया, उसके बाद दोबारा फिर हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सपा बसपा फलाने ढिकाने की, हम सरकार की लाइफ पूछ रहे हैं, किसी भी देश के सरकार की लाइफ। सर मतलब सरकार के लिए तो 5 साल की ही सर रहती मतलब यही पढ़ाई किए हैं आप? हाँ, यही समझे हैं। है। नहीं सर पार्टी मतलब में, पार्टी में और सरकार में फर्क ही आपको नहीं पता है। सरकार तो हर 5 साल बाद आती है सर, तो किसी की भी सरकार पार्टी आए हर हर 5 साल में पार्टी आती जाती है, व्यक्ति आता जाता है। सरकार सरकार तो आज सरकार कल भी थी, आज भी है, और आने वाले कल में भी रहेगी। आपके आने से 500 साल पहले भी थी, आपके आने के 500 साल बाद भी रहेगी। कोई ना कोई सरकार रहेगा, चाहे जिस भी रूप में होगा। बात समझ में आई हाँ या नहीं आई? सरकार तो रहती है, पार्टी चेंज होती रहती मतलब क्या पढ़े हैं आप, जा करके कक्षा 6 की किताब पढ़िए, पहला चैप्टर है सरकार क्या है, पढ़े ही नहीं आप अभी तक, तो क्या पढ़ाएंगे? इसीलिए ना कह तो रहे हैं लोग, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हैं, इसीलिए परेशान हैं, उनको पता ही नहीं है डिफरेंस क्या है चीजों में, छोटी छोटी चीजों का भी उनको डिफरेंस नहीं पता, सबको एक ही जैसा मान लेते हैं। हाँ, सरकार मतलब 5 साल। योगी जी सरकार हैं कि अखिलेश यादव सरकार हैं कि मायावती सरकार हैं, राहुल गांधी सरकार हैं या मोदी सरकार हैं? ये लोग सरकार हैं क्या? ये लोग कुर्सी नहीं पर सर। हैं इस वक्त, जी सर जी ठीक है? सरकार वो जी है जो पूरा सिस्टम चलाती है, तो जो आएगा वो चलाएगा, ठीक है? जी अगर सर आज कोई आपके जिले में डीएम है तो डीएम का कार्यकाल कितने समय का होता है, कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? रिटायर होने वो तक। तो हमेशा हमेशा ही सर रहे, तो कल कोई डीएम हो तो हमेशा कोई ना कोई कितना रहेगा ना, भी हो। जी कल भी कोई था, आज भी कोई है, आगे भी कोई रहेगा, बाकी और व्यक्ति जो है उस पद पर आते जाते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे, फिर नए आते रहेंगे। तो पहला तो कोई चीज को समझने का तरीका, अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए, देखने का नजरिया बदल लीजिए। फिर से कह रहे हैं, आप लोग परेशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप लोग जो है उम्मीद लगाते हैं और किसी चीज के सहारे बैठते हैं, चाहे वो बंदा आज से 10 साल पहले वाला हो, चाहे अभी वाला हो, जो भी भर्ती की तैयारी कर रहा है या फॉर्म भर रहा है या किसी भर्ती का इंतजार कर रहा है, तो बेवकूफ तो वो खुद है।
अगर वो इंतजार कर रहा है तो इंतजार क्यों करना, आप निरंतर अपना काम करते रहिए, जो मिलेगा लेते रहिए। आपकी लाइफ 50 साल 60 साल लिमिटेड है, आपके जो है लाइफ का अगर 5 साल 10 साल 20 साल बर्बाद हो जाएगा, क्या वापस मिलेगा फिर वो? नहीं, फिर वो कहाँ आएगा? तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम जो है अभी बिजनेस नहीं करेंगे, या ये काम नहीं करेंगे, या वो काम नहीं करेंगे, ये चीज हो जाएगा उसका वेट कर रहे हैं? अरे कोई जरूरी नहीं है कि जो है जिस चीज के इंतजार में हम बैठे हुए हैं वो हमें आज ही मिल जाए। पहली बात तो ये, वो सरकार को करना है, हम जानकारी दे रहे हैं सिर्फ, ये चीजें होने जा रही हैं, ठीक है? अब इस जानकारी के आधार पर तरह तरह के लोग हैं, आप कौन से हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, किसी का नहीं, पहले होगा किसी का। एक बार आपसे बात हो चुकी है सर, पहले 1 साल हो रहे हैं। अच्छा, तो तरह तरह के लोग हैं, किसी का पहले होगा किसी का बाद में होगा, उसमें कंडीशंस बहुत सारे हैं। जो व्यक्ति फोन करता है उसको उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज होते हैं बताते हैं। नौकरी हमें भी नहीं देना है, हम तो सिर्फ जानकारी दे देते हैं। और आपने जैसा सवाल किया, हमें तो ये भी नहीं पता कि आप जो है बीएड हैं, बीटीसी हैं, क्या हैं, आपने कब टेट पास किया। हम ये कॉमन बात कर रहे थे अभी। जी, अब आपने पूछा है कि जो है नौकरी कब तक क्या होगा, नहीं तो हम बिजनेस करें क्या करें। भाई नौकरी को तो जब मिलना होगा तभी मिलेगा, और जो जो चीजें हो रही हैं वो सारा हम बता ही रहे हैं। आज भी हमने ग्रुप में डाला है, पेपर में आ चुका है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ जो है पुनर्निर्धारण हो रहा है पदों का। तो गवर्नमेंट तो अब उधर बढ़ रही है, कुछ ही दिन में कमेटी रिपोर्ट आएगी कि इतने पद हैं, इतने टीचरों की जरूरत है। और जो है अभी ये टीटी एग्जाम जो है इस वर्ष अभी हो नहीं पाया है, इतना लेट हो रहा है, नई भर्ती आ नहीं पाएगी, तरह तरह की बातें करके भूमिका बना के गवर्नमेंट पुरानी चीजें जो हम बताते आ रहे हैं वो सारा चीज करेगी। तो वो जब करेगी तो तब करेगी ना, आप बैठे ना रहिए। आपको लगता है कि आप जो है पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए, कहीं कोई जो है जॉब कर सकते हैं, कोई जॉब कीजिए, ठीक है, मत कीजिए बिजनेस, अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, फंसाइए नहीं। आपको लग रहा है पैसा फंस जाएगा मेरा, तो पैसा मत फंसाइए, लेकिन कुछ तो करते रहिए। और आपको अगर बिजनेस करना ही है तो कौन सा जो है बिजनेस का जो है आपका वो 24 घंटे का स्कूल रहेगा? कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते भी हैं, अगर आपका इरादा है बिजनेस ही करना है तो कर दीजिए, साइड में वो भी चलता रहेगा। आप नहीं करेंगे आपके घर के अन्य सदस्य होंगे, अपनी चीजों को देख करके अपने हिसाब से सोच करके समझ करके कीजिए। अब एक एक व्यक्ति की कंडीशन क्या है कैसे है उस पर तो हम नहीं बता सकते हैं ना कि किसे क्या कैसे करना चाहिए। आप अपने चीजों को देखिए, गवर्नमेंट चीजों को देखिए, आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, ठीक है? हेलो। हाँ सर, हाँ सुन रहे सर। तो आप बीएड हैं या बीटीसी हैं? सर बीएड है, 2011 का टेट, मतलब वो 2011 का ही तो बीएड। बीएड टेट 2011 वाले आप हैं, 10 साल तो ऑलरेडी गुजर गया, तो 10 साल से क्यों नहीं स्टार्ट किया?